आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। पंजाब के जिला पठानकोट के गांव बनेरा के निवासियों ने आज सड़क, पानी और बिजली को लेकर रोष प्रदर्शन किया। लोगों का मानना था कि पिछले 10 वर्षों से कोई भी सरकार उनका कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी वश उनको ये रोष प्रदर्शन करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि ये जो सड़क जो कि टूटी हुई मान रहे हैं, ये उस महाभारत कालीन मंदिर में जाती है जिसको माना गया है कि महाभारत के समय में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने खुद बनाया था। इसके पास एक खारी बावली है जिसमें नहाकर अनेक प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर की साध्वी और पंचायत के बीच एक मुकदमा चला हुआ है जिसके कारण उनके विकास कार्य पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं। पेश है राकेश शर्मा और विशाल मेहरा की एक रिपोर्ट। वर्ष 2006 में बनी इस सड़क की हालत आज बरसाती नाले जैसी हो चुकी है। ये सब कुछ संभव सरकारी उपेक्षा के कारण ही हुआ है। बिजली की तारें जिन्हें को खंभे के ऊपर ले जाना चाहिए था, वे अब पेड़ों के ऊपर से जोड़ के सहित जा रही है। पानी की हालत ये है कि लोग टेंट पोस्ट नहीं लगा पाते। इसी बात को लेकर लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। सर, पिछले 10 सालों तो कोई भी काम नहीं होया। इतने रोड देख लो, तुसी आपे रोड देख सकते हो इतने, तो नाले पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या हैगी, तो नंगियां तारा है। कोई भी बंदा अगर कल नूं कोई मतलब करंट वगैरह लग जाता तो कितने जाना उन्हें, वह जिम्मेवार कौन है? सरकार ने कोई काम नहीं किया अज तक, ना कुछ, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बाकी देख लो। हाँ जी सर, पानी की बहुत बड़ी यहाँ पर वो है सर, हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ पर पानी होता नहीं सर, पिछले कई मंथों से यहाँ पर पानी है नहीं, महीनों से। और हम पर पानी हमें बारिश का लेना पड़ता है यहाँ से सर पीने के लिए। बहुत बड़ी हालत है सर यहाँ पर पानी की। और सर यहाँ पर जो हमारी लाइनें पड़ी हुई पाइप, हमने खुद अपने पैसे के लिए हुई है, जो कुछ भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जेई के पास हम की बार गए सर, बड़ी सारी एप्लीकेशन लिखे पर कोई फ़ायदा नहीं उसका भी सर। ऐसे सर बहुत बड़ी बुरी हालत है यहाँ पर। हाँ जी, साढ़े जी इतने कोई सहूलत नहीं है। मैं अपनी नूह नीती अस्पताल उत्थे कोई गड्डी नहीं चढ़ी, तो असी बड़े परेशान होए रोए, तो उस कोई रस्ते की सहूलत नहीं है। वो गड्डी आला भी बोलता जी उतरो उतरो थले उतरो उतरो, बारिश लगी। मैं कितने जा ले गए बच्चे ले? हाँ जी, नूह मेरी बीमार सी, बच्चा होया, तो उसके वास्ते कोई गड्डी नहीं जी, चुक चुक के नीती। तो अगली बारी गड्डी की, गड्डी आले भी बोलते जो क्या उतर जाओ थले, तो उधर बारिश लगी, अं बच्चे लेके कुधर जाना? वो कोई साड़ी कोई सुनाई नहीं है, इस इलाके बीच कोई नहीं है, साड़े पिंड बीच कोई सुनाई नहीं है। सरपंच नूं बोलिया? सरपंच साडा सरपंच नूं बोलदा, सरपंच साडे वास्ते कोई कुछ नहीं करदा। वो बोलदा कि तुहाडे वास्ते है ही कुछ भी इत्थे। ठीक, जे जो बावली दिखाई दे रही है, जे महाभारत कालीन वे बावली है जो कि वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। इसी के साथ ये जो सड़क है सटी हुई है, जिसके बारे में कि लोगों ने है। इस संबंधी हमने वीडियो विजय कुमार से बातचीत की, जिनका कहना है कि हूँ जल्दी ही डीसी साहब वालों हदायत हुई हैं कि जिस पिंड की जो भी डिमांड है वो तुम सानू मते च पा के दिओ। आप जिस डिपार्टमेंट नाल संबंधित होगी उन्होंने को एस्टीमेट बनवा के तुरंत वह काम जो निपटारा किया जाएगा। कोई जिस डिपार्टमेंट जिस तरह गलियां नालियां दी है वो सरपंच खुद सानू उहदे एस्टीमेट रूरल डिवेलपमेंट वालों तैयार किए जाएंगे। जिहड़े सड़कां दा काम है वो PWD जां मंडी बोर्ड वालों उहदे एस्टीमेट तैयार करके सानू दिते जाएंगे, तां जो काम जिहड़ा पानी दे पानी दीआं
ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।